स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों पर घटिया निर्माण के उठे सवाल, अधिकारी मौन। अधिकारी और नेताओं की अनदेखी से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मिनी स्मार्ट सिटी योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगर को मिनी स्मार्ट सिटी की सौगात दी गई थी, जिसकी प्रथम किस्त के 25 करोड़ के कार्य भी स्वीकृत होकर त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया। लेकिन अब अधिकारियों और क्षेत्र के सत्ताधारी दल के नेताओं की उदासीनता एवं निज स्वार्थ के चलते मुख्यमंत्री की नेक मनसा के कारण जो सौगात मिली वह अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। बड़ी मशक्कत के बाद जब स्मार्ट सिटी का काम ठेकेदार ने प्रारंभ किया, तब उस पर भी स्थानीय निवासियों ने सवालिया निशान लगा दिए। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्माण बहुत ही घटिया तरीके से हो रहा है। नागरिकों ने कहा है कि बिना रेत मिलाए क्रेशर चूड़ी से जिस सड़क का निर्माण हो रहा है वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। नागरिकों का मानना है कि मुख्यमंत्री की मंशा को अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। गंज वासोदा से एलन शोभे की एक रिपोर्ट। स्टॉक पड़ा हुआ है, उस पर गिट्टी और चूरी पड़ी हुई है, तो रेत तो वहाँ है ही नहीं, तो शायद रेत उसमें मिलाई नहीं जा रही है, चूरी और गिट्टी से ही काम चल रहा है। अब बाकी ना ही यहाँ स्टॉक पे उनके 90 सेंट दिख रही है, ना ही स्टॉक पे उनके रेत है यहाँ। तो जो यहाँ से मिक्सी भर के ले जाती है या सीमेंट मिलाती है, तो यहाँ से गिट्टी भरती है वो और चूरी भरती है, इसको मिक्स करके रोड डाला जा रहा है। मतलब घटिया निर्माण हो रहा है एक प्रकार से। स्वाभाविक बात है, जिसमें रेत या 90 सेंट में है ही नहीं और जिसमें चूरी मिला रही है, तो स्वाभाविक बात है रोड कितने दिन चलेगा। अभी फिलहाल तो कंडीशन ऐसी है कि लगभग सर्दी जुखाम, जिस तरीके से डस्ट उड़ रही है, सर्दी जुखाम के मरीज बढ़ रहे हैं, यहाँ आने से लोग कतरा रहे हैं। और जो सुना था कि यहाँ काफ़ी बड़ी कंपनी को ये ठेका दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, 8-10 आदमी हैं उनके पास और मशीनरी के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ, और ना इस तरीके से काम चल रहा है कि कोई ये आगे भविष्य शहर का बना पाएगा। ये रोड जहाँ तक दिख रहा है, ये शायद शहर के लिए अभी फिलहाल तो तकलीफ का ही विषय है, और भविष्य में अगर इस निर्माण के साथ जिस तरीके से चल रहा है, तो ये भविष्य में भी ये रोड चल पाएगा, ये भी संभावना कम ही है।